ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आगे आते हैं, ये हो गया था, ठीक है। आगे आता ई पॉइंट, क्या लिखा है ई पॉइंट, लिखा हुआ है गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। आपको पता होगा सेक्शन 10 होता है कंपोजिशन का, किसका होता है, कंपोजिशन डीलर होता है। और कंपोजिशन कौन सा डीलर होता है, जिसे हम छोटा व्यापारी बोलते हैं, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितने से कम हो, 1.5 करोड़ से कम हो, उसे हम कंपोजिशन डीलर बोलते हैं। और आपको पता होगा कंपोजिशन वाला कभी भी सेल करते वक्त टैक्स कलेक्ट नहीं कर नहीं सकता। करता, और परचेज करते वक्त जो टैक्स दे के आता है उसका उसे क्या नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता। ये गवर्नमेंट ने उसके लिए स्कीम बनाई। अगर तुम सेक्शन 10 के अंदर हो, अगर सेक्शन 10 के अंदर हो तो तुम्हें इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, तुम्हें इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, तुम्हें इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो याद रखना, अगर सेक्शन 10 वाले हो तो तुम्हें इसका आईटीसी नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्ट बाय हिम। अगर तुम, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा समझाने पे ज्यादा ये हो गया इसमें दिक्कत, तो मैं इसकी थोड़ा साफ कर दूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। अगर तुम किसी नॉन रेजिडेंट से कोई माल खरीदते हो तो तुम्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब उस बंदे को आईटीसी नहीं मिलेगा नॉन रेजिडेंट वाले को। सर कैसे, एग्जाम्पल कोई बताओगे? एग्जाम्पल के लिए ये है, मैं, ठीक है, अकाउंट्स का काम करता हूं, एक बंदा दिल्ली में ट्रेड फेयर लगाने आया आउट ऑफ इंडिया से, उसने दिल्ली में ट्रेड फेयर के अंदर अपना भी एक स्टॉल लगाया वहां पर, और वो क्या करने लगा, उसका काम करने लगा। अब लेकिन जब काम कर रहा था तो गवर्नमेंट ने पहले ही उसे बोल दिया कि भैया तुम अगर इंडिया में काम करोगे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। वो मेरे पास आया, उसने कहा सर आप मुझे क्या दिला दो, जीएसटी नंबर दिला दो, और साथ साथ आप मेरी क्या भर दिया करना, रिटर्न। मैंने कहा भैया मैं आपका काम कर दूंगा लेकिन मैं आपसे 1 लाख रुपए लूंगा, और 1 लाख पर 18,000 रुपए टैक्स का लूंगा, टोटल आप मुझे 1,18,000 रुपए की पेमेंट कर दो। उसने कहा मैं कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत। उसने कहा लेकिन 1,18,000 का तो मुझे क्या मिल जाएगा, आईटीसी। गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें इसका आईटीसी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम आओगे, सर्विस का काम करोगे, और तुम उसे क्लेम मांगोगे तो हम इसका बेनिफिट नहीं देंगे, तो हम इसका बेनिफिट नहीं देंगे। उसने कहा सर लेकिन जो मैं 10 करोड़ रुपए का माल अमेरिका से इंडिया में ला रहा हूं उसका तो आईटीसी दोगे ना, इंपोर्ट कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ, इंपोर्ट का तुम्हें आईटीसी मिलेगा लेकिन तुम इंडिया में कोई सर्विस लोगे, कोई गुड्स लोगे तो तुम्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर तुम कौन हो, नॉन रेजिडेंट पर्सन। क्लियर है? समझ में आ गया? इसके लिखा है जी पॉइंट में, गुड्स और सर्विस और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। अगर तुम कोई गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए करते हो तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, और यही बात आपको बताओगी सेक्शन 17 सेक्शन 1 में भी लिख लीजिए। अगर तुम कोई चीज पर्सनल में यूज करते हो तो मैं उसका आईटीसी नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। चाहे तुम सामने वाले से खरीद के बिजनेस पर्पस में लाए हो। मैंने एग्जांपल दिया था वहां पर कि मेरे साड़ी का शोरूम है, मेरी वाइफ ने अपने पर्सनल यूज के लिए एक साड़ी ले ली, मेरे पर्सनल तो हो गया वो, तो मुझे उसका आईटीसी पूरा नहीं मिलेगा, उसको मुझे वो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा उस रेशियो में जिस रेशियो में बिल आया था। क्लियर है? तो ये लिख दी सर, यहाँ लिखने का मतलब ये था कि तुम लोग समझते तो हो नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ भी इस बात को लिख दिया। अब नीचे आता है गुड्स लॉस स्टोलन डिस्ट्रॉय रिटर्न ऑफ या फिर डिस्पोज बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सप्लाई सैंपल। सर बात समझे नहीं, बात आप यहां समझे, मैं आपको समझा देता हूं बात है क्या। बात ऐसी है, हुआ क्या, आप मेरे पास आए, आप में से कोई मेरे पास नहीं आया, आपने कहा सर मुझे ना एक लैपटॉप चाहिए। मैंने कहा भाई ले ले लैपटॉप, क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा लैपटॉप तो सर मैं ले लूंगा लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था, आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैंने कहा भाई लैपटॉप लेना है, पैसे देने, जाके दुकान से ले ले लैपटॉप, मैं क्या करूंगा उसमें। उसने कहा सर थोड़ी मदद चाहिए, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा बताओ क्या बात है। उसने कहा सर देखो मार्केट में ना लैपटॉप है 30,000 रुपए का। मैंने कहा होगा, 18% इस पर टैक्स लगेगा। मैंने कहा ठीक है 18% टैक्स लग जाएगा, हाँ बोलो, चलो इस लैपटॉप को हम कितने का कर लेते हैं, 50,000 रुपए का लैपटॉप कर लेते हैं। क्लियर? 18% मतलब 9,000 रुपए टैक्स लग जाएगा। मैंने कहा लग जाएगा बिल्कुल, लेकिन सर आप सोच रहे हो कितने का, 59,000 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 59,000। सर आप ये सोच रहे हो ये 9,000 रुपए मेरे लिए वेस्ट है। मैंने कहा क्यों वेस्ट है आपके लिए, क्योंकि सर मैं क्या हूँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन, मुझे तो आईटीसी नहीं मिलेगा।
मैंने कहा ठीक है, तो कहना क्या चाहते? उसने कहा सर अगर मैं ये बिल आपके नाम पर ले लूं तो? मैंने कहा भाई मेरे नाम पर क्यों लेना है, अपने नाम पर लो या तुम। उसने कहा सर अगर मैं आपके नाम से लूंगा तो आपको 50,000 का 9,000 रुपये ITC मिल जाएगा। मैंने सोचा हाँ ये बंदा तो सही कह रहा है, मैं क्या ले लूंगा, नौ नौ हजार रुपये का ITC ले लूंगा, मेरे पास तो कुछ जाएगा नहीं। मैंने कहा हाँ ले 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 ले। उसने मैंने कहा मैं अपना GST नंबर दे दिया, अपना एड्रेस सब दे दिया उसे, मेरे भी मजे आ गए। लेकिन उसने एक बात बोल दी कि सर ये जो 9,000 है ना इसमें आप थोड़ा सा आधा आधा कर लो, 50% मुझे दे दो, 50 मतलब 4,500 रुपये आप मुझे दे देना अलग से, और 4,500 रुपये का तुम बेनिफिट ले लेना। मैंने सोचा क्या बुरा है, मेरे को 9,000 मिलने हैं, 4,500 जा रहे हैं, 4,500 का सीधा फायदा है। क्लियर है? ये एक बंदा मेरे साथ करके चला गया, इसने फिर अपने दोस्त को बता दी ये बात, फिर दूसरा बंदा ये मेरे साथ ऐसा करा, फिर तीसरा चौथा सब आ गए, सब मेरे साथ ऐसे करने। मैंने कहा ये तो बिजनेस मेरा बहुत अच्छा बन गया, सब कुछ काम चल रहा है मेरा। ऐसे 10 लोग मुझसे ले गए। अब 11वां बंदा मेरे पास आया है, स्टूडेंट, वो था थोड़ा सा नटखट, उसने मेरे से पंगे ले लिए। पंगे क्या लिए? उसने कहा सर आप 50,000 का लैपटॉप मिल रहा है, 9,000 रुपये तुम्हें ITC मिलेगा, मैं तुम्हें 9 नहीं दूंगा, तुम्हें 500 रुपये ITC दूंगा खाली। मैंने कहा भाई 500 की सब 4,500 देते, तू 500 क्यों देगा? उसने कहा सर आपको लेना है तो लो। मैंने कहा भाई मुझे नहीं लेना, जाओ तुम। उसने कहा सर जाऊंगा नहीं, आपकी GST डिपार्टमेंट में क्या कर दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम इस तरीके का काम करते हो, बिल लाते हो बच्चों के नाम, बच्चों के होते हैं अपने नाम से लाते हो, ITC लेते हो। अब मैं ये बात सुन के डर गया, मैंने ये बात सुन के डर गया। मैंने कहा ठीक है तू ले जा, तू 500 रुपये दे दियो, तू जा। और वो चला गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरे पास GST वाले आ गए। कौन आ गए? GST वाले जी आ गए। उसने कहा तुम शाहरुख जी तुमने पूरे साल में या पूरे क्वार्टर में 15 लैपटॉप खरीदे, 15 लैपटॉप का तुमने ITC ले लिया, अब वो लैपटॉप कहाँ है जरा मुझे दिखाना। मैंने कहा सर वो लैपटॉप तो सर, वो लैपटॉप तो सर सर ऐसे ऐसे करने लगा मैं। मैंने कहा सर नहीं, वो मेरे लैपटॉप ऑडिट पर गए, मेरे बच्चे ऑडिट करने जाते हैं, लोगों की टैक्स की रिपोर्ट बनाते हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न भरते हैं ना, ऑडिट पर गए। उसने कहा कितने लैपटॉप गए? उसने कहा सर 15 लैपटॉप ऑडिट पर ही गए। उसने कहा 15 गए? मैंने कहा 15। उसने कहा चलो बुलाओ हम यहाँ बैठे हुए, क्या करो बुलाओ हम यहाँ बैठे हुए। अब मैंने क्या हुआ, मैं जल्दी जल्दी फोन करने लगा जिन जिन बच्चों के नाम से बिल लेके आया था। मैंने 3-4 लोगों का, 3-4 लोग आ गए, ठीक है अब 5-6 मतलब 8-9 लोग आ गए, लेकिन 6 लोग नहीं आए। मैं 6 लोग को फोन करा, मैंने कहा आ जाओ ऑफिस में, कौन आए? GST वाले आए, वो लैपटॉप चेकिंग कर रहे हैं। उसने कहा सर हम नहीं आएंगे। हमने पूछा क्यों नहीं आओगे? सर आपसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था, आपने हमें बताया नहीं, अब मरो तुम, 945 रुपये कमाए थे ना, अब मरो तुम, तुम्हें ITC नहीं मिलेगा, हम आएंगे ही नहीं। मैंने कहा ऐसा मत करो मैं दिक्कत में आ जाऊंगा। उसने कहा सर नहीं आओ, हमने पूछी थी एक बार तुमसे प्रॉब्लम, तुमने कहा बताते हैं तुम्हें, तुमने बताया ही नहीं, और अब कह रहे हो प्रॉब्लम में फंसे तो हमें याद कर रहे हो, हम नहीं आ रहे, अब तुम जाओ, तुम्हें जेल ही हो, बने आओ, इस तरीके से बोलने लगा। अब मैं हो गया परेशान, अब मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार दिक्कत वाली बात है। अब मैंने जिससे ऑफिसर से कहा सर लैपटॉप तो मेरे यहीं थे, रात को तो मैं यहीं रख के गया था, लग रहा है सर क्या हो गए, वो चोरी लॉस्ट हो गए सर, वो स्टोलन हो गए सर, हो सकता है मेरे ऑफिस में आग लग गई, देखो धुआं वहां से भी निकल रहा है, ठीक है या फिर उसे क्या कर दो रिटर्न। गवर्नमेंट ने कहा मूर्ख मत बनाओ, ऐसी बातें मत बनाओ कि गुड्स लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर डिस्पोज हो गए, या तुमने उसे किसी गिफ्ट में दे दिए। अगर तुम इस तरीके का काम भी करते हो ना, लैपटॉप लेके आते हो अपने नाम से, ठीक है, और तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं आए ना, जब चेकिंग करने आएंगे तो तुम्हें उसका ITC रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसका ITC रिवर्स करना पड़ेगा जो तुमने लिया, और विद इंटरेस्ट, विद पेनल्टी, ठीक है। और लो का वायलेशन कराए तो तुम्हारे ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी भी लगेगी। क्या लगेगी तुम्हारे ऊपर? पेनल्टी भी लगेगी। तो समझ में आई? तुम इस तरीके का काम मत करना, बिल ला रहे किसी और के नाम से, ठीक है, जब चेकिंग करने वाले आएंगे ना तो फिर दिक्कत होगी। फिर तुम ये बहाने मत बनाना कि सर आग लग गई थी कंपनी में, ये हो गया था, वो हो गया था, तो गवर्नमेंट कहेगी हम कुछ नहीं सुनने वाले, तुम्हें हम उसका बेनिफिट देंगे ही नहीं, हम तुम्हें उसका बेनिफिट देंगे ही नहीं। क्लियर है? ये बात समझ आ गई? तो ये यस बातें याद रखना। क्लियर है? क्लियर। अब इसमें बस लास्ट पॉइंट बचा है जो आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो इतनी इतनी छोटी छोटी बातें गवर्नमेंट इसलिए करे क्योंकि तुम लोग इस तरह की प्लानिंग करते हो, तो गवर्नमेंट उन चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी तो आप लोग इसका गलत बेनिफिट ले लोगे, तो
तो गवर्नमेंट ने कहा हम भैया ऐसा करना नहीं चाहते, हम तुम्हें सही तरीके से रखना चाहते, लेकिन तुम मानने वालों में से हो नहीं, ठीक है, अपने आप को होशियार समझते हो, तो आप करोगे ऐसा तो फिर तुमसे पेनल्टी और इंटरेस्ट भी हम लोग चार्ज करेंगे। क्लियर? आ गया। सिक्स पॉइंट, एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 174, सेक्शन 190, 129 और सेक्शन 130। एक बंदा था यादव, कौन था? यादव, और यूपी में रहता था। ये 2014 की बात है जब अखिलेश यादव की सरकार थी। क्लियर है? वो रहता था, वो आराम से काम कर रहा था। 2018 में भी उसके चाचा विधायक थे, वो ऐसा बोलता था कि यादव जी, उनके चाचा थे अखिलेश यादव जी, इसने कहा सर यूपी में मुझे माल बेचना था, ये दिल्ली से मेरे पास आया, इसने कहा सर 1 लाख रुपए का माल चाहिए, मैंने कहा ले जाओ, या इसने कहा सर 10 लाख का माल चाहिए और 18% टैक्स लगेगा, मैंने कहा ठीक है 1,80,000 रुपए दे दो, उसने कहा सर टैक्स मत लगाओ, मैंने कहा टैक्स नहीं लगाऊंगा तो ईवी बिल कैसे बनाऊंगा, उसने कहा सर कुछ मत बनाओ, एक गाड़ी में 10 लाख का माल भेज दो बिना टैक्स के, कितने का माल भेज दो? बिना टैक्स के, या फिर तुम टैक्स लगा लो 1,80,000 रुपए का टैक्स लगा लो। मैंने कहा सर ईवी बिल बनाना है, उसने कहा सर ईवी बिल मत बनाओ, क्या करो ईवी बिल। क्यों? मैंने कहा सर क्यों नहीं बनाओ, अगर गाड़ी पकड़ी जाएगी तो आपका माल जब्त हो जाएगा, आपको अलग से पैसे नहीं। उसने कहा सर इतना कुछ नहीं चलता, नाम चलता है हमारा, बस ले लेना यादव, अपनी अपनी गाड़ी के पीछे लिखा भी है यादव। अब हुआ क्या, वो बंदा दिल्ली से माल लेकर कहाँ जा रहा था? यूपी यूपी, और यूपी में यादव जी की सरकार हो गई चेंज। किसकी चेंज हो गई सरकार? यादव जी की सरकार चेंज होकर वहां पर आ गई योगी जी की सरकार, और योगी जी की सरकार थोड़ी सी है स्ट्रिक्ट। अब जैसे ही यादव जी की गाड़ी निकल रही थी यूपी से, योगी जी की सरकार ने उसे पकड़ लिया और उसे क्या कर लिया? जब्त कर लिया। मेरे पास फोन आया कि सर गाड़ी पकड़ी गई और सारा माल जब्त हो गया। मैंने यादव जी को कॉल करा, मैंने कहा यादव जी आपकी गाड़ी पकड़ी गई? उसने कहा यार गाड़ी तो पकड़ी गई। मैंने कहा आप क्या करना है? उसने पूछा आप क्या करना है? मैंने कहा करना क्या है, आप देखो आप ही कह रहे थे नाम ले लो यादव, और वो नाम ले रहा हूँ यादव, कह रहा कौन है यादव, अब सुन ही नहीं रहा यादव के लिए, अब सर क्या रहेगा। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, कितना? 180 रुपये, 180 का टैक्स की पेनल्टी लग रही ना, 180 का माल था मतलब 180 का टैक्स था, गवर्नमेंट का जितने का टैक्स होगा उतने की हम तुम पे क्या लगा देंगे जी। पेनल्टी। उसने गवर्नमेंट ने क्या ले लिया, उतने की तो टैक्स ले लिया, उतने की क्या लगा दी? पेनल्टी लगा दी, ठीक है, और उतने की लेट फीस लगा के 3,60,000 रुपए का बिल बना दिया। कितने का बिल बना दिया? 3,60,000 रुपए का बिल बना दिया। मैंने कहा यादव जी निकल गई सेखी, कह रहे थे यादव है यादव, अब 1,80,000 भरो। उसने कहा सर 3,60,000 को ही भरूंगा, 1,80,000 भरूंगा। मैंने कहा क्यों सर? क्योंकि मैंने 1,80,000 का तो क्या ले लूंगा, मैं आईटीसी ले लूंगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अगर तुम्हारा माल जब्त होता है, पकड़ा जाता है, तो उस केस में जो तुम्हारा आईटीसी होगा वो भी नहीं मिलेगा। क्लियर? लेकिन लोग कर लेते हैं, आज मैं भी देखता हूँ, अगर आपकी गाड़ी जब्त हो जाती है तो आप पैसा जमा करते हो, ठीक है, और जो आईटीसी होता है वो भी क्लेम कर रहे हो, जबकि ये गलत है। गवर्नमेंट ने बात बोली है कि अगर एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74 या फिर सेक्शन 129 या सेक्शन 130, ये दोनों सेक्शन बात करते हैं ई वे बिल की, ई वे बिल का वायलेशन करने की, किसकी बात करते हैं? ई वे, और ये बात करता है इसके वायलेशन की। क्लियर है? तो अगर तुम किसी लो के अंदर टैक्स पे करोगे तुम्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, तुम्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर? लेकिन लोग क्लेम करें जबकि बात गलत है। क्लियर? समझ आ गई? तो ये पॉइंट था याद रखने वाली, कि अगर तुम्हारा माल जब्त होता है उस पर जो तुम टैक्स दे के आओगे तो तुम्हें ना तो आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा और जो तुम टैक्स पे कर रहे हो उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। पता है जब ये 3,60,000 की मैं पेमेंट करूंगा तो मेरी पेमेंट किस में चली जाएगी? कैश लेजर में। किस में चली जाएगी? कैश। जीएसटी में एक लेजर होता है जिसका नाम होता है कैश लेजर, जब भी तुम पेमेंट करो तो किस में जाएगी? वो कैश लेजर। क्लियर है? तो ये बात याद रखना। क्लियर? और पता है पेनल्टी पे करने के बाद भी लोग इस कैश का यूटिलाइजेशन कर देते हैं कि लोग एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन लोग इसके लिए भी गवर्नमेंट इसके लिए रूल नहीं लाएगी। जिसने रूल लाएगी ना कैश लेजर के लिए कि अगर तुम्हारी कोई पेनल्टी लगती है उसको अलग से पे करो। अभी होता क्या, जब तुम कैश की पेमेंट करते हो डिपार्टमेंट के ऑफिसर को दिखा भी देते हो सर देखो मैंने कैश में पेमेंट करी है, ठीक है, और तुम बाद में उस कैश का बेनिफिट ले लेते हो, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जब लोग का वायलेशन करा है तो पेनल्टी लगनी चाहिए और बाद में उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट इतनी रेडी नहीं है, तो तुम पे करते हो उसका बेनिफिट भी तुम ले लेते हो। क्लियर है? सिक्स में लिखा है कि जो तुम बोल रहे थे ना कैपिटल अल्टरेशन हो या मॉडिफिकेशन हो, या लिखा है एक्सप्लेनेशन सिक्स, लिखा है द गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द मैनर इन विच द क्रेडिट रेफर टू इन सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है,
गवर्नमेंट ने लिखा है कि वो मैनर बताई किस मैनर में तुम्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्लियर। और लास्ट में गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन लिख दी, क्या लिख दी, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर सिक्स द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी मीन, यहाँ पर बताया गया प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी, हर तरह की प्लांट एंड मशीनरी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो किस तरह की नहीं होनी चाहिए, लैंड नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग नहीं होना चाहिए एंड अदर सिविल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। हम कभी भी फिक्स असेट के अंदर किसको कंसिडर नहीं करेंगे, टेली कम्युनिकेशन टावर को कंसिडर नहीं करेंगे, पाइपलाइन को कंसिडर नहीं करेंगे और आउटसाइड फैक्ट्री प्रमाइसिस को भी कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि मशीन का मीनिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पर इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गई, फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्ट दैट आर यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एंड इंक्लूड शेल फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट बट एक्सक्लूड, ठीक है। हम सभी चीज की फिक्स असेट का बेनिफिट देंगे लेकिन इनका बेनिफिट नहीं देंगे, लैंड हो, बिल्डिंग हो, टावर हो, पाइपलाइन हो और आउटसाइड द फैक्ट्री प्रमाइसिस, उसका बेनिफिट हम नहीं देंगे। तो आज आपका सेक्शन 5 खत्म हो गया। इसमें हमारी 4 वीडियो बनी क्योंकि हमारे सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, 20 मिनट में वो वीडियो बंद हो रही थी, तो आज हमने ये टॉपिक को आपका फिनिश कर लिया।